दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा फैट कम करने की वो चार एक्सरसाइज जिसे आप घर में या पार्क में कहीं भी कर सकते हैं जिससे आपका फैट तेजी से कम होगा। और बाद में बताऊंगा कुछ तीन चार ऐसे टिप्स जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है फैट कम करने के लिए। तो पहले बताता हूँ वो एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज नंबर एक पर आती है रनिंग। दोस्तों आप पार्क में जाकर डेली 15 से 20 मिनट रनिंग जरूर करें। रनिंग से फैट तो कम होता ही है, साथ ही रनिंग हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। तो डेली 15 से 20 मिनट रनिंग जरूर करें। और कभी कभी आप स्प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। स्प्रिंटिंग में आपने क्या करना होता है, आप एक मिनट दौड़ें फिर एक मिनट वहीं रुक जाएं, फिर एक मिनट दौड़ें फिर एक मिनट रुक जाएं, ऐसा 20 मिनट तक करें। मतलब हफ्ते में 3 दिन आप रनिंग कर सकते हैं और 3 दिन आप स्प्रिंटिंग कर सकते हैं। और फिर दूसरी एक्सरसाइज है बर्पी। दोस्तों बर्पी के तो बहुत फायदे हैं, इससे फैट तो कम होगा ही साथ ही मसल्स भी बनेंगे। ये आपने इस तरह करनी है जैसे आप वीडियोस में देख रहे हैं। दोस्तों ये एक्सरसाइज आप डेली 5 से 7 मिनट तक करें। और फिर अगली एक्सरसाइज है स्किपिंग। दोस्तों स्किपिंग से भी फैट तेजी से घटता है। आप डेली 5 से 10 मिनट स्किपिंग जरूर करें, इससे पूरी बॉडी का फैट कम होगा, हिप्स का फैट कम होगा, बैली का फैट कम होगा, चेस्ट का फैट कम होगा, मतलब पूरी बॉडी शेप में आएगी। तो इसलिए स्किपिंग भी जरूर करें। और फिर अगले नंबर पर जो एक्सरसाइज आती है वो है स्क्वाट्स। दोस्तों आप डेली 20 से 25 स्क्वाट्स ही लगा लो तो आपका फैट तेजी से कम होगा। ये पूरी बॉडी के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। एक साथ आप 20-25 नहीं लगा सकते तो रुक रुक के लगाओ, 10 लगाओ फिर 1-2 मिनट का रेस्ट लो, फिर 10 लगाओ फिर 1-2 मिनट का रेस्ट लो, इस तरह आप 3 बार लगा सकते हैं। दोस्तों ये वो चार एक्सरसाइज है जिससे आप 1 महीने में अपनी पूरी बॉडी का फैट कम कर सकते हो। तो अब एक्सरसाइज तो आपको पता चली गई, अब बताता हूँ कुछ टिप्स, ये जरूर फॉलो करें, इसके बिना फैट कम नहीं हो सकता। तो नंबर एक पर है जंक फूड, जैसे पिज्जा बर्गर से दूर रहो, ऑयली फूड से दूर रहो, जैसे समोसे छोले भटूरे, इन चीज़ों से दूर रहना है आपने। ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में नहीं लेनी, आपने ये चीज़ें नहीं खानी। और चीनी, दोस्तों चीनी भी आपने अपनी डाइट से हटा देनी है, चीनी से भी फैट तेज़ी से बढ़ता है। सिंपल शुगर है, इससे फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो ये चीज़ें आपने अपनी डाइट से हटा देनी है, ये चीज़ें आपने नहीं खानी है। आपने खाना क्या है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन सैलेड खाना है, दोपहर को खाने के साथ और रात को खाने के साथ थोड़ा थोड़ा ग्रीन सैलेड ज़रूर खाओ। अपनी डाइट में रोटी चावल आलू केले, ये जो हाई कैलोरी वाले फूड होते हैं, इन्हें कम कर दो। प्रोटीन डाइट आप ज़्यादा ले सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपका फैट कम होगा पर मसल्स जो हैं आपके टाइट रहेंगे, आपकी बॉडी मस्कुलर बनेगी फैट कम होकर। कई लोग वजन कम करने के लिए भूखे रहने लगते हैं, वो सोचते हैं कि भूखे रहने से वजन कम होगा, नहीं। आप थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाते रहो, बस ये याद रखो कि आप पूरा भर पेट मत खाओ, पेट भर के आपने नहीं खाना। तो आपने खाना क्या है वो मैंने आपको बता दिया, आप सलाद खा सकते हैं, आप प्रोटीन में अंडे खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप ओट्स खा सकते हैं, दोपहर को 12 बजे के आसपास आप थोड़ा सा फ्रूट खा सकते हैं, उसके साथ 1 चम्मच आप पीनट बटर खा सकते हैं, उससे आपको हेल्दी फैट मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा और उससे भी वजन तेज़ी से कम होता है। आप थोड़े से नट्स खा सकते हैं, बादाम काजू अखरोट, ये थोड़े से मतलब कम क्वांटिटी में आपने लेने हैं। तो ये चीज़ें आप खाओ, बाकी रोटी पूरी आपने बंद नहीं करनी, जितने खाते हो उससे थोड़ी सी कम कर दो। जब भी आप खाना खाओ ये याद रखो कि आपने भर पेट नहीं खाना, थोड़ा सा उससे कम खाना है, उसकी जगह आप सलाद ऐड कर दो ताकि आपका पेट भर जाए। और दिन में 1 से 2 बार ग्रीन टी ज़रूर पिए, आप शाम को 5 बजे के आसपास ग्रीन टी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। और दोस्तों अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। दोस्तों अगली चीज़ है स्ट्रेस। दोस्तों स्ट्रेस से मोटापा तेज़ी से बढ़ता है। आपने देखा होगा कि स्ट्रेस में लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, उन्हें ज़्यादा भूख लगती है, भूख की क्रेविंग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्ट्रेस से बॉडी में कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कार्टिसोल लेवल के बढ़ने का मेन रीज़न ही स्ट्रेस होता है। और कार्टिसोल बढ़ने से भूख ज़्यादा लगने लगती है, तो कार्टिसोल लेवल को आपने कम करना है। और कार्टिसोल लेवल कम कैसे होगा, जब आपका स्ट्रेस खत्म होगा। तो अब बात आती है स्ट्रेस को खत्म कैसे करें। तो स्ट्रेस कम करने के लिए आप योगा या मेडिटेशन कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, फैट कम करने के लिए आप अपनी डाइट में मोरिंगा पाउडर ऐड कर सकते हो। तो मोरिंगा क्या चीज है, दोस्तों मोरिंगा जो होता है एक तरह का पौधा होता है। मोरिंगा की पत्तियों में आपको मालूम है कि 92 पोषक तत्व होते हैं। इसमें कैल्शियम आयरन संतरे से 7 गुना ज़्यादा होता है। इसमें विटामिन सी होता है। इसमें केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम होता है, इसलिए इसे सुपर फूड भी कहा जाता है। दोस्तों मोरिंगे के पौधे को आप ऐसे तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, तो उसके लिए आप इसका पाउडर ले सकते हैं। दोस्तों मार्केट में कई तरह के मोरिंगा पाउडर उपलब्ध हैं, पर ये याद रहे कि आपने ओरिजिनल लेना है, आपने 100% प्योर लेना है। तो इसके लिए आप नेचर श्योर का मोरिंगा लीफ आटा मिक्स पाउडर ले सकते हैं।
ये 100% प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गवर्नमेंट लैब द्वारा सर्टिफाइड है और टेस्टेड भी है। ये जो आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। इसके साथ ही इसमें आपको शहद भी मुफ्त मिलेगा। अगर आप इसे डेली लेते हो तो इससे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होगा, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेटर होगा, इससे आपका फैट खत्म होगा और आप दिन भर एनर्जेटिक रहोगे। दोस्तों देखिए, अभी तो आपको पता नहीं लग रहा, पर जब बाद में आपका वजन वो धीरे धीरे ज़्यादा हो जाएगा तो उससे आपको कई बीमारियाँ हो सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बीपी हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अभी से जो है आप अपने फैट को, अपनी डाइट को कंट्रोल करो। तो ये जो पाउडर है इसे कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, डायबिटिक जैसी प्रॉब्लम को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और दोस्तों इसमें कई पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी आपको मिलेंगे जिससे बॉडी डिटॉक्सीफाई भी होगी। और दोस्तों इससे डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये एक नेचुरल फैट बर्नर है, इससे जो है वजन तेजी से कम होगा। तो इसे लेना कैसे है? आप इस 200 ग्राम आटा मिक्स पाउडर को 5 किलो गेहूं के आटे में एक साथ मिला के रख सकते हो, या फिर अगर आप एक साथ स्टोर नहीं करना चाहते तो 1 टेबलस्पून पर पर्सन के लिए बहुत है। मतलब जब भी आप रोटी बनाओ तो 1 रोटी के आटे में आप 1 टेबलस्पून इस पाउडर को मिला सकते हो, या फिर आप इसे पानी में भी ले सकते हो, या फिर इसकी कोई स्मूदी बनाकर भी ले सकते हो। और मैंने जैसे आपको बताया इसके साथ आपको शहद भी मिलेगा, तो शहद के बेनिफिट्स तो आपको पता ही हैं। और शहद से आप इसकी कोई भी रेसिपी, अच्छी सी रेसिपी अपने हिसाब से बनाकर ले सकते हो। और दोस्तों इसे मेन एंड वुमेन कोई भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि वजन कैसे कम होता है, वजन कम करने के लिए क्या खाएं, क्या ना खाएं, और किस चीज़ से वजन तेजी से कम होता है, और कौन सी एक्सरसाइज इसके लिए बेस्ट है। दोस्तों ये थी वीडियो कि वजन कम कैसे करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए वर्कआउट के साथ, नई जानकारी के साथ। जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।